नमस्कार, पूर्णिमा की आवाज चैनल पर आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है आत्मनिर्भर माँ। आपसे कितनी बार कहा है कि गुड़िया को ऊट पटांग बातें मत सिखाया करो। बड़ा बेटा राम अपनी माँ विमला देवी पर भड़कते हुए बोला तो वो चौंक गई। पर बेटा, मैंने ऐसा क्या सिखा दिया गुड़िया को जो तुम इतने नाराज हो रहे हो? इतने में उनकी बड़ी बहू सोनिया बाहर निकली और कहने लगी, माँ जी आज सुबह से आपके गांव की भाषा में न जाने क्या क्या बड़बड़ा रही है हमारी बच्ची। हम उसे इतने महंगे इंग्लिश मीडियम प्ले स्कूल में पढ़ा रहे हैं ताकि अच्छे से इंग्लिश सीख पाए और आगे उसका कॉन्वेंट स्कूल में एडमिशन हो सके, लेकिन आप हैं कि हमारी सारी कोशिशों पर पानी फेरने पर तुली हुई है। विमला देवी जी हैरानी से बेटे और बहू की बातें सुनती जा रही थी और इतने में बहू अपने पति राम से बोली, सुनिए जी, आपकी माँ की गंवारों वाली भाषा तो हमारी बच्ची का भविष्य बर्बाद कर देगी। न जाने इसके लिए क्या क्या सपने देखे हैं मैंने। अपनी माँ से कहिए जरा दूर ही रहें हमारी बच्ची से। विमला देवी जी काफी देर से अपनी बहू की बदतमीजी भरी बातें सुनती जा रही थी। बड़ी बहू तीर के समान चुभने वाले शब्द अनवरत बोलती जा रही थी और बड़ा बेटा राम सामने चुपचाप खड़ा था, या यूं कहो कि अपनी पत्नी के व्यवहार को सहमति दे रहा था। 6 महीने पहले ही पति के देहांत का गम झेल चुकी विमला जी आए दिन अपनी बहुओं के तानों का शिकार बनी रहती हैं। विमला जी के 2 बेटे और बहुएं हैं। बड़े बेटे राम की 1 बेटी है जिसे सब लोग प्यार से गुड़िया बुलाते हैं और छोटे बेटे लक्ष्मण की 1 वर्ष पहले ही शादी हुई है। हुआ यूं था कि विमला देवी जी अक्सर काम करते हुए अपने गांव के लोक गीत गुनगुनाया करती थी और इन गीतों के साथ जुड़ी अपनी बचपन की यादें ताज़ा कर लिया करती थी। एक दिन गुड़िया ने अपनी दादी को ये गीत गाते हुए सुन लिया और तोते की तरह कुछ शब्दों को रट लिया। नतीजतन बड़ी बहू ने इतना बड़ा बवाल खड़ा कर दिया। दरअसल यह मुद्दा तो केवल एक बहाना था अपनी सास पर रौब जमा कर रखने के लिए। बहू जानती थी कि उसकी सास बिल्कुल सीधी साधी है, इसलिए उन्हें दबा कर रखने के लिए वो आए दिन कोई ना कोई मुद्दा उठाकर कलह शुरू कर देती थी और राम को हमेशा अपनी पत्नी की बातें ही सही लगती थी। अब तो अपनी जेठानी की देखा देखी छोटी बहू भी अपनी सास की बिल्कुल इज्जत नहीं करती थी, लेकिन पति की मृत्यु के बाद विमला जी अपने होंठ सी कर रहना ही उचित समझती थी। वैसे ये पहली बार नहीं था जब विमला जी को कम पढ़ा लिखा होने के कारण बातें सुनने को मिली हों। कारण ये था कि विमला गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ी थी जहां अंग्रेजी विषय पर कुछ खास ध्यान नहीं दिया जाता था। ऊपर से गांव में रहने के कारण उसकी भाषा पर ग्रामीण शब्दों का प्रभाव था। शादी के बाद कुछ वर्षों तक उन्हें अपनी नंदों से देहाती और गवार होने के ताने मिलते रहते थे, लेकिन जब पढ़े लिखे और नौकरी पेशा माँ बाप की बेटी सोनिया विमला जी की बहू बनकर घर में आई, उसके बाद से ऐसे ताने देने का मोर्चा बहू ने संभाल लिया। इतने सालों से लगातार अपमानजनक शब्द सुनते सुनते विमला जी का आत्मविश्वास बहुत कम हो गया था। अब उन्हें किसी से बात करने में भी झिझक होती थी। कभी कभी वो खुद से ही पूछ बैठती थी, क्या मैं सचमुच पढ़ी लिखी नहीं हूँ? क्या मैं अनपढ़ हूँ? छोटे से गांव के साधारण से परिवार से संबंध रखती थी विमला देवी, जिनके जन्म पर दादी फूट फूट कर रोई थी क्योंकि 2 बेटियों के बाद तीसरी बेटी का भी बोझ पड़ गया था परिवार पर। घर की मुखिया दादी थी। पिताजी दादी की हर बात मानते थे तो माँ का जीवन भी दादी के इशारों पर ही चलता था। माँ को तो कुछ कहने का अधिकार कभी था ही नहीं। माँ पिताजी को वही करना होता था जो दादी कहती थी। सो तीनों बहनों का जीवन भी दादी के ही इशारों पर चलने लगा। पढ़ लिखकर अपने पैरों पर खड़े होना विमला का बचपन से ही सपना था, लेकिन गांव के सरकारी स्कूल से 10वीं पास करते ही दादी का फरमान आ गया कि पढ़ाई लिखाई बंद करके अब घर के काम करो, लेकिन मैं पढ़ना चाहती हूँ, बाबूजी कुछ करके दिखाना चाहती हूँ, विमला ने कहा तो रोब भरे स्वर में दादी बोली, थोड़ा सा पढ़ लिख गई हो तो सिर पर बैठ गई हो और ज्यादा पढ़ गई।
अब तो कैंची की तरह जबान लड़ा होगी। जाने क्या क्या देखना पड़ जाएगा हमें। अब घर बैठकर सिलाई कढ़ाई सीखो। विमला के तमाम विरोध के बावजूद पिताजी ने वही किया जो दादी ने कहा। विमला ने पढ़ लिखकर आत्मनिर्भर बनने की बात की तो इस बात को ये कहकर रफा दफा कर दिया गया कि अब अपने घर में ही पढ़ना लिखना और आत्मनिर्भर बनना। विमला अवाक रह गई थी ये सोचकर कि ये किसका घर है जहां मैंने जन्म लिया, जहां मैं अब रह रही हूं। लेकिन पढ़ाई लिखाई की जिद थी। विमला में तो अपनी सहेलियों से ही किताबें मांग कर ले आती और छुप छुप कर पढ़ाई कर लेती। भले ही 12वीं पास ना कर सकी लेकिन 12वीं तक का ज्ञान उसने हासिल कर लिया था। महज 18 साल की उम्र में ही उसका विवाह बड़े शहर की एक परिवार की 30 साल की लड़के से कर दिया गया। विमला के सारे ख्वाब टूट चुके थे। जब ससुराल आई तो पाया कि पढ़ी लिखी जेठानी और स्नातक पास नंदे उसे अपने से कमतर समझती थी। जब भी वह कुछ बोलती तो उसे सुनने को मिलता, ये कैसी देहाती भाषा में बात करती हो। जेठानी को सहेलियों से अंग्रेजी में बातें करते देखा तो फिर से पढ़ाई की इच्छा जागी और पति से 12वीं की परीक्षा दिलवाने के लिए कहा। पतिदेव ने फॉर्म भरवा दिया और 12वीं की परीक्षा भी दिलवा दी। 12वीं में पास होने के बाद मन खुश हो गया कि आगे पढ़ने का मौका मिलेगा तो शायद अब ख्वाब पूरे हो जाएंगे। लेकिन फॉर्म भरने का समय आया तो पता चला कि वो माँ बनने वाली है। सासू माँ ने साफ साफ निर्देश दे दिया कि अब घर बैठकर गृहस्थी संभालो, पढ़ने लिखने का समय अब निकल चुका है। बड़ा बेटा राम पैदा हुआ तो एक वर्ष के बाद छोटा बेटा लक्ष्मण भी इस दुनिया में आ गया तो पतिदेव ने बड़े प्यार से समझाया कि बच्चे बड़े हो जाएं, फिर तुम्हारे पास समय ही समय होगा, तुम अपने सारे ख्वाब पूरे कर लेना। विमला ने खुशी खुशी अपने परिवार की जिम्मेदारियां निभाई। पति का प्रमोशन और बच्चों की सफलता में उसका सबसे बड़ा हाथ था। सबको तरक्की के आसमान पर ले जाने वाली सीढ़ी बनी थी। विमला धीरे धीरे अपने ख्वाबों को तो जैसे भुला ही दिया उसने। आज जब विमला ने बेटे बहू के मुंह से भी अपमानजनक बातें सुनी तो उसका धीरज जवाब दे गया। अकेले में जाकर खूब रोई लेकिन फिर खुद को संभालते हुए हमेशा की तरह अपने काम में व्यस्त हो गई। शाम को विमला खरीदारी के लिए मार्केट गई तो भीड़ में से अचानक एक आवाज उसके कानों से टकराई। विमला, ओह विमला। विमला को ये स्वर कुछ जाना पहचाना सा लगा। फिर सहसा बोली, रज्जो। पीछे मुड़कर देखा तो रज्जो ही खड़ी थी। इतने सालों बाद अपनी बचपन की सहेली से मिलकर विमला का चेहरा खुशी से खिल उठा। वो बच्चों की तरह चहक उठी। चल पास के रेस्टोरेंट में चलकर बैठते हैं, रज्जो ने कहा तो विमला बोली, इतने सालों बाद तू यहाँ इसी शहर में मिलेगी, मुझे तो अंदाजा ही नहीं था। तो रज्जो ने कहा, विमला मेरी यहाँ के गर्ल्स कॉलेज में प्रिंसिपल के तौर पर पोस्टिंग हुई है। सो मेरे पति ने भी यहाँ पर ही ट्रांसफर करवा लिया और बच्चे भी अब सेटल हो गए हैं। दोनों अच्छी नौकरी कर रहे हैं। तुम सुनाओ, तुम आजकल क्या कर रही हो। विमला, बहुत बड़े ख्वाब थे तुम्हारे, कहीं नौकरी कर रही हो या फिर बिजनेस। रज्जो द्वारा पूछे गए इस प्रश्न पर विमला अचानक ठिठक गई, चेहरे पर निराशा के भाव घिर आए और सोचने लगी, क्या ख्वाब भी थे मेरे। फिर याद आया, हाँ ख्वाब तो बड़े बड़े थे मेरी इन आँखों में। सोचते सोचते आँखें आंसुओं से भर आई और रुंधे गले से बोली, ख्वाब पूरे करने वाले पति ही अब ना रहे। रज्जो 6 महीने पहले ही मुझे अकेला छोड़कर इस दुनिया को अलविदा कह गए। ये बात सुनकर रज्जो को झटका लगा। विमला की आँखों से आंसू पोंछते हुए रज्जो उसके गले लग पड़ी। कुछ देर बाद रज्जो ने पूछा, तो आत्मनिर्भर बनने के बारे में सोचा क्यों नहीं, तुम अपनी पढ़ाई करके शिक्षिका बनना चाहती थी। मैं शादी से पहले दादी के हिसाब से जिंदगी चलती थी, शादी के बाद सास ने चूल्हा चौका संभालने को कह दिया और अब बेटों की शादी हो जाने के बाद बहुओं के इशारों पर नाच रही हूँ। बहुएं नौकरी कर रही हैं, तो मैं आज तक घर का चूल्हा चौका ही संभाल रही हूँ।
ऊपर से अनपढ़ गंवार का तमगा मेरे सिर पर लगा है, सो अलग। और अब तो उम्र भी बीत गई है, इस उम्र में तो मैं पढ़ाई नहीं कर सकती ना। ख्वाब पूरे न कर पाने की वर्षों पुरानी टीस आज विमला के आंसुओं के जरिए बाहर आ निकली। रज्जो अवाक रह गई और हैरानी से उसे देखती रही। फिर अचानक गुस्से में बोली, क्यों, अभी कौन सा समय बीत गया है और क्या हुआ है तेरी उम्र को? लेकिन रज्जो, अब अपने ख्वाब पूरे करने निकलूंगी तो सबसे पहले तो अपने ही घर के लोग मुझ पर हंसेंगे और जगह हंसाई होगी, सो अलग। विमला, तू तो ऐसी न थी। मेरी सहेली विमला तो कभी हार नहीं मानती थी। मेरी बात ध्यान से सुन, लोग एक दिन हंसेंगे, दूसरे दिन बोलेंगे, फिर तीसरे दिन भूल जाएंगे। तू लोगों की मत सोच, तू वो कर जो तुझे करना है, जो तुझे खुशी देता है। ये बात हमेशा याद रखना कि जिंदगी तुम्हारी है, लोगों की नहीं। विमला अपने अंदर की उस चुलबुली और बेबाक लड़की को जगा जो अपनी दादी के सामने भी बोलने की हिम्मत रखती थी। तू आज भी वो सब कुछ कर सकती है जो उस समय कर सकती थी। हो सकता है पहली बार में सफलता ना मिले, लेकिन तुम हिम्मत रखकर डटी रहना। हार कभी मत मानना, सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। रज्जो ने विमला को अपना विजिटिंग कार्ड दिया और बोली, जब भी तुम्हें अपनी पढ़ाई शुरू करनी हो तो मुझसे आकर मिल लेना। मैं तुम्हारे लिए कॉलेज में स्पेशल क्लासेज का प्रबंध करवा दूंगी। सहेली की बातों ने विमला में जैसे नई हिम्मत का संचार कर दिया। उसे ऐसे लगा जैसे किसी ने उसे गहरी नींद से जगाया हो। जैसे जैसे वह घर की ओर बढ़ती जा रही थी, उसके दिल में अपने वजूद की पहचान बनाने के लिए तड़प भी बढ़ती जा रही थी। यही समय है अपने ख्वाबों को पंख लगाने का, सोचते हुए विमला ने घर का प्रवेश द्वार खोला। सामने देखा दोनों बेटे राम और लक्ष्मण घर पहुंच चुके थे और बहुएं रसोई घर में खाना पका रही थी। शॉपिंग बैग को एक तरफ रखते हुए विमला ने उसी समय बात करने की ठानी और आकर सबके पास बैठ गई। दोनों बहुएं भी बाहर आ गई। अच्छा हुआ तुम सब यहीं बैठे हो, मुझे तुम लोगों से कुछ बात करनी है, विमला ने कहा। दोनों बेटे विमला जी की बात सुनकर कुछ हैरान से हुए और बोले, क्या हुआ माँ, क्या बात करनी है? बहुत वर्षों से कुछ ख्वाब थे मेरे जिन्हें मैं पूरा करना चाहती थी, मुझे लगता है अब वक्त आ गया है, विमला जी बोली। तो राम ने कहा, माँ साफ साफ बताओ क्या कहना चाहती हो? मैंने तय कर लिया है मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ। विमला ने अपनी बात रखी तो सब हैरान हो गए। मंदिर और सत्संग के अलावा ये कौन सा नया शौक पाल लिया आपने सासू माँ? ये भी कोई पढ़ाई करने की उम्र है? कुछ तो सोचकर बोला कीजिए, बहू तंज कसने के इरादे से बोली। माँ आप ठीक तो हैं? ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हैं आज? त्योरियां चढ़ाते हुए बड़ा बेटा राम बोला, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और ये क्या तरीका हुआ बात करने का राम? आखिर मेरे भी कुछ सपने थे, कुछ अरमान थे मेरे दिल में, और यदि अब मैं उन्हें पूरा करना चाहती हूँ तो इसमें गलत ही क्या है? इसमें सही भी क्या है माँ? लक्ष्मण की आवाज आई, आप इस उम्र में पढ़ाई करने के लिए निकलेंगी तो आस पड़ोस के लोग क्या कहेंगे? और फिर मेरा ससुराल भी तो इसी शहर में है, वहाँ मेरी क्या इज्जत रह जाएगी? और मेरे दोस्त वो लोग तो मुझ पर हंसेंगे, मेरा मजाक उड़ाएंगे। छोटी बहू त्रिशा भी कहाँ चुप रहने वाली थी, ताना कसते हुए बोली, माँ जी अभी अभी पिताजी की मृत्यु हुई है और आपको ये सब करने की सूझ रही है, और यदि ये सब कारनामे करने ही हैं तो कहीं और जाके कीजिए, इस घर में ये सब नहीं चलेगा। बेटे बहुएं अपना फैसला सुनाकर अपने अपने कमरे में चलते बने। विमला जी वहीं स्तब्ध सी बैठी रह गई, लेकिन इस बार उनके बागी मन ने बेटे बहू के फरमान को मानने से पूरी तरह इनकार कर दिया। उन्हें एहसास हो गया था कि यदि अब भी वो हमेशा की तरह दब गई तो सिर्फ अफसोस ही रह जाएगा जिंदगी में कि अपनी छोटी छोटी ख्वाहिशों को भी पूरा नहीं कर पाई। अगले दिन सुबह तक विमला जी ने सोच लिया कि उन्हें अपने ख्वाब कैसे पूरे करने हैं। जब सब लोग तैयार होकर अपने अपने काम पर चले गए तो विमला जी भी कॉलेज जाने के लिए निकल गई। कॉलेज पहुंची तो
प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, डॉक्टर रजनी वर्मा। मन ही मन सोचने लगी, कितना गर्व महसूस करती होगी रज्जो अपने आप पर। इतने में गार्ड आकर पूछने लगा, किससे मिलना है आपको? प्रिंसिपल से मिलना है, विमला जी ने कहा, तो गार्ड उन्हें ऑफिस में ले गया। विमला को अपने सपनों की ओर कदम बढ़ाते देखकर रज्जो को बहुत खुशी हुई। विमला जी का स्नातक प्रथम वर्ष में एडमिशन के लिए फॉर्म भर दिया, लेकिन जब विमला जी ने अपनी सहेली से कहा कि घर के हालातों के कारण वह प्रतिदिन क्लास अटेंड करने नहीं आ पाएगी, तो रज्जो कुछ सोच में पड़ गई, लेकिन उसके बाद तुरंत चेहरे पर मुस्कुराहट बिखेरते हुए कहने लगी, इसका भी हल है मेरे पास। जो विद्यार्थी कक्षा अटेंड करने के लिए कॉलेज नहीं आ पाते, उन्हें हम वीडियो के जरिए लेसन उपलब्ध करवा देते हैं। कल से रोज के कक्षा कार्य की वीडियो तुम्हारे पास मोबाइल में भेज दी जाएगी। तुम्हें कॉलेज में केवल परीक्षा देने के लिए आना होगा। अगले दिन से ही विमला जी ने बेटे बहुओं के जाने के बाद पढ़ाई करनी शुरू कर दी। पढ़ाई की शौकीन विमला जी रात को भी पढ़ने के लिए 2 घंटे का समय अवश्य निकालती थी। दोनों बहुओं को कभी कभी कुछ शक भी होता था कि माँ जी ने मोबाइल फोन के साथ कुछ ज्यादा ही समय बिताना शुरू कर दिया है और कहीं आती जाती भी नहीं, लेकिन फिर बात रफा दफा हो गई। उधर समय समय पर रज्जो भी फोन करके विमला जी की पढ़ाई के विषय में जानकारी लेती रहती थी। पढ़ाई करते करते अब विमला जी में भी आत्मविश्वास वापस लौट रहा था। समय बीतने लगा, देखते ही देखते 3 साल बीत गए। आज विमला जी कुछ बेचैन सी थी, क्योंकि आज उनकी परीक्षा का परिणाम आना था। रसोई घर का काम करते करते विमला जी इसी बारे में सोच ही रही थी कि इतने में रज्जो का फोन आया। विमला, तुमने आज का अखबार पढ़ा? अरे तुमने तो कमाल कर दी। ग्रेजुएशन के 3रे वर्ष की परीक्षा में तुमने पूरे राज्य में प्रथम स्थान हासिल किया है। विमला, तुमने हालातों से लड़कर न केवल ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल कर ली, बल्कि प्रथम स्थान हासिल करके अपने जैसी अन्य औरतों के लिए भी एक उदाहरण पेश किया है। विमला जी तुरंत जाकर अखबार खरीद कर ले आई। देखा तो अखबार में प्रथम पृष्ठ पर उनकी फोटो के साथ हेडलाइन लिखी हुई थी, पढ़ाई लिखाई की कोई उम्र नहीं होती, आप जिस उम्र में चाहें उस उम्र में पाई की तरफ लौट सकते हैं। ऐसी मिसालों को जिंदा रखने में योगदान दिया है 50 वर्ष की विमला देवी ने। अखबार में अपना नाम और तस्वीर देखकर विमला जी फूले नहीं समा रही थी। आज उनकी आंखों में जो चमक और चेहरे पर जो संतुष्टि के भाव आए, वो आज से पहले कभी नहीं आए थे। विमला जी मन ही मन सोच रही थी कि जब वो ये बात अपने बेटों और बहुओं को बताएंगी और अखबार के पहले पन्ने पर अपनी फोटो दिखाएंगी, तो उन्हें एहसास होगा कि अपनी माँ को पढ़ाई करने से मना करके कितनी बड़ी गलती कर रहे थे वो लोग। आज मेरे बेटे गर्व महसूस करेंगे मुझ पर, सोचते हुए अंदर ही अंदर उत्साहित होती। विमला जी से अब और इंतजार न किया जा रहा था। शाम को सब बेटे बहू घर पर आए तो विमला जी ने बड़ी खुशी खुशी अखबार उनके सामने रख दिया। बड़ा बेटा राम अखबार पढ़कर हैरान रह गया। गुस्से से उसकी त्योरियां चढ़ गई। माँ, ये सब करके आखिर आप साबित क्या करना चाहती हैं? पहले भी आपको यही बात समझाई थी कि ये सब नौटंकी करनी है तो कहीं और जाकर कीजिए। अखबार देखकर बड़ी बहू बोली, अच्छा। तभी मैं सोच रही थी, इतने दिनों से माँ जी फोन पर क्या कर रही हैं? तो ये गुल खिला रही थी आप। बहू थोड़ा तमीज से बात करो। ये कैसा तरीका हुआ मुझसे बात करने का? विमला जी ने विरोध जताया। बड़ी बहू, जब तक मैंने पढ़ना शुरू नहीं किया था, तब तक मैं तुम्हें अनपढ़ और गंवार लगती थी और दिन भर तुम मुझे इस बात के ताने दिया करती थी। अब यदि मैं पढ़ाई कर रही हूँ तो इसमें भी तुम्हें शर्मिंदगी महसूस हो रही है। मेरी पढ़ाई लिखाई तुम्हें नौटंकी लग रही है। तुम लोग तो नौकरी पर चली जाती थी, मैं पीछे घर का सारा काम निपटाकर अपनी पढ़ाई शुरू करती थी। अपने ये ख्वाब तो मैं बहुत पहले पूरे करना चाहती थी, लेकिन अपने बेटों के लिए मैं अपने ख्वाबों को भी भूल गई। फिर अपने बेटों की तरफ देखते हुए बोली,
तुम दोनों की सफलता में मैंने अपनी सफलता देखी। जब तुम अपनी कक्षा में प्रथम आते थे तो मुझे लगता था कि मेरी जीत हुई है, लेकिन इस बात का एहसास मुझे आज हुआ कि कितनी गलत थी मैं, जो अपनी औलाद के पीछे अपने सपनों को भूल गई थी। आंसुओं से भरी आंखें लिए विमला जी रुंधे गले से बोलने लगी, लेकिन बस अब बहुत हुआ, अब मैं इसके आगे बीएड की पढ़ाई भी करूंगी। मैं अब रुकने वाली नहीं हूँ। इतनी बात पर भड़कते हुए छोटा बेटा बोला, माँ अगर आपको ये सब काम करने हैं तो आप कहीं और जाकर रहिए। ये तमाशा अब हम और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगले दिन सुबह कुछ न्यूज रिपोर्टर विमला जी का इंटरव्यू लेने के लिए घर पर पहुंच गए और विमला जी से प्रश्न पूछने लगे। इस प्रश्न के उत्तर में कि आप इसके बाद क्या करने का सोच रहे हैं, विमला जी ने कहा, मैं आगे बीएड की पढ़ाई शुरू करना चाहती हूं और साथ में ही अपना कोचिंग सेंटर खोलना चाहती हूं। रविवार था सो बेटे और बहुएं भी घर पर थे। अपनी माँ को इंटरव्यू देते हुए देखकर मन ही मन क्रोध में उबल रहे थे, लेकिन न्यूज रिपोर्टर्स के सामने कुछ ना बोले। लेकिन जैसे ही न्यूज रिपोर्टर्स निकले वे अपनी माँ पर बरस पड़े। माँ आखिर ये तमाशा कब तक चलने वाला है, बड़ा बेटा राम बोला तो विमला जी ने जवाब दिया, बस कुछ ज्यादा दिनों तक नहीं। बेटे बहू हैरानी से विमला जी की तरफ देख रहे थे कि माँ इतनी आसानी से कैसे मान गई। लेकिन अगले ही पल विमला जी ने कहा, रात को तुम लोग कह रहे थे कि अब तुमसे ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा और अगर मुझे कुछ करना है तो मैं कहीं और जाकर रहूं। इसलिए मैंने फैसला ले लिया है कि अगर जाना ही है तो तुम लोग घर छोड़कर जाओगे, मैं नहीं, क्योंकि यह घर मेरा है और 10 दिन में मैं इस घर में कोचिंग सेंटर शुरू करने वाली हूँ। इसलिए जितना जल्दी हो सके अपना रहने का इंतजाम कहीं और कर लो, विमला जी ने अपने बेटे की आंखों में आंखें डालकर कहा। विमला जी की यह बात सुनकर उनके बेटे और दोनों बहुएं अवाक रह गई। वे हैरान थे कि उनकी माँ में इतना आत्मविश्वास अचानक कैसे जाग उठा। बड़ी बहू अभी कुछ बोलने ही वाली थी कि तभी विमला जी बोली, बहू अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई। रोज रोज की जिल्लत भरी जिंदगी जीने से अच्छा है कि मैं आत्मनिर्भर बनकर अकेले रहूं और आत्मविश्वास के साथ अपना जीवन व्यतीत करूं। ये सुनकर बेटे बहु जड़वत रह गए, लेकिन कुछ करने में असमर्थ थे क्योंकि मकान विमला जी के नाम पर ही था। विमला जी अपना फैसला सुनाकर अपने कमरे में चली गई। अगले ही दिन मकान के बाहर एक बड़ा सा बोर्ड लगाया जा रहा था। विमला जी गर्व भरी मुस्कान के साथ उसकी ओर देख रही थीं। बोर्ड पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, विमला कोचिंग सेंटर। दोस्तों क्या खूब कहा है किसी ने, मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। जिंदगी में कठिनाइयां मिलेंगी ये तो आम बात है, कठिनाइयों को पार करके उभरना ही खास बात है। तो दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी, लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।